आज हमारे साथ हैं बिग बॉस फेम निमृत कौर। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से लैक्मे फैशन वीक लग रहा है आपको। बहुत ही एक्साइटिंग चल रहा है एंड यू नो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लाइक इतने सारे लोग साथ में आ रहे थे, सो मच टैलेंट, सो मच क्रिएटिविटी, सो मेनी ग्रेट आउटफिट्स टू विटनेस, सो मच ऑफ टैलेंट टू विटनेस। सो या इट्स गोइंग वेरी गुड। आपके फेवरेट डिजाइनर की बात की जाए तो आपके फेवरेट डिजाइनर कौन है, क्यों है और क्यों पसंद आते हैं आपको? वेल आज आई एम वेयरिंग रीना ढाका एंड यू नो जब मैंने अपनी मॉडलिंग शुरू करी थी तो आई वॉक्ड फॉर हर एंड कट टू यू नो नाउ आई एम वेयरिंग हर आउटफिट एंड केम टू सी हर शो एंड इट्स अमेजिंग। सो आई हैव टू अनबायसली टेक हर नेम फॉर श्योर। मॉडल्स की बात की जाए, डिजाइनर्स की बात की जाए तो हर साल नए डिजाइनर्स, नए मॉडल्स आते हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप उनको? जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ। आई थिंक उससे बड़ा कोई टिप हो ही नहीं सकता कि यू नो अपने आप में विश्वास रखिए और खुद को मत बदलिए दूसरों की वजह से। इस फैशन वीक में जो नए नए डिजाइन के कपड़े आ रहे हैं, क्या आपको कलेक्शन पसंद है, किस तरह के कलेक्शन पसंद आपको आते हैं? वेल आई ऑल्सो लव सिद्धार्थ टाइटलर्स कलेक्शन। आई एम ऑल्सो यू नो गोना बी वेयरिंग हिज आउटफिट एंड वॉचिंग हिज शो एंड बींग अ पार्ट ऑफ हिज शो। आई थिंक उनमें यू नो देयर इज स्पंक एंड स्पार्क टू वट एवर ही डज एंड इट्स ट्रूली मैजिकल एंड इट्स समथिंग दैट आई रियली एंजॉय। बिग बॉस की बात करें, बगैर हम आपको छोड़ नहीं सकते, बिग बॉस का जो अनुभव है वो किस तरह से रहा, उसका फ़ायदा आपको किस तरह से हो रहा है निजी जिंदगी में? फ़ायदा तो बहुत हो रहा है। आई थिंक यू नो जब टेलीविजन कर रही थी तो शायद एक सर्टन ऑडियंस जानती थी, बट अब एक पैन इंडिया, नॉट जस्ट इंडिया, यू नो बिग बॉस एक ऐसा शो है जो हिंदुस्तान के बाहर भी लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। तो आई थिंक जनता का जो प्यार है वही यू नो एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही बदल चुकी है और बहुत मैसिव स्केल पर बदली है। जनता के साथ कहीं ना कहीं अबू भी आपसे बहुत प्यार करते थे, क्या मिस करती हैं आप उनको? ऑफ कोर्स इनफैक्ट यू नो वो अभी दुबई में थे, अभी वापस इंडिया आए हुए हैं, तो वीडियो कॉल पर तो बात होती रहती है। या आने वाले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो किस तरह के प्रोजेक्ट है आपके पास, क्या कुछ करना चाहती हैं, आपने क्या कुछ सोच रखा है? जैसे कि आपको पता होगा एकता मैम ने LSG 2 ऑफर करी थी जब मैं घर के अंदर थी, तो यू नो अभी तो उसी प्रोजेक्ट पे एक फोकस लेकर चल रही हूँ जी। हमसे बात करने थैंक यू।